वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारे एक दर्शक है राजेंद्र सिंह बिहार से, उन्होंने लिखा है कि वो चर्म रोग से पीड़ित है, उनकी त्वचा पे काले काले स्पॉट आ गए हैं और उन समझ में नहीं आ रहा है क्या उपाय करूं इसका, काफी ज्यादा हाथ पे कोहनी पे हो गए। देखिए ये एक्जिमा भी हो सकता है, सोराइसिस भी हो सकता है, तो जब तक आप स्पेसिफिक नहीं बताएंगे तो हम उसका नहीं बता सकते, लेकिन हाँ नेचुरल कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे ये चर्म रोग आपका वैसे ही भाग जाएगा। क्या करना है आपको, नीम के पत्ते ले लें, 6 पत्ते नीम के, 6 पत्ते तुलसी के, इनको पीस लें, इसकी गोली जैसी बना लें और सुबह खाली पेट आप पानी के साथ निगल लें। इससे क्या होगा, अगर आपकी ब्लड इम्प्यूरिटी के कारण कोई आपको स्किन डिजीज हो रही है, कोई चर्म रोग हो रहा है, तो वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा उपाय क्या है कि अजवाइन को पीस लें, और अजवाइन को पीस के गाढ़ा गाढ़ा उसका एक पेस्ट जैसा बना लें। एक दुआ कहा जाता है कि अजवाइन को पीसिए गाढ़ा लेप बनाए, चर्म रोग सब दूर हो, कंचन काया हो जाए। तो अजवाइन को पीस के उसको अच्छी तरह से आप अप्लाई कर लें जहां जहां आपको प्रॉब्लम है, आधा घंटे के लिए छोड़िए और उसके बाद नहा लीजिए, आप देखेंगे कि आपके ये जो प्रॉब्लम है वो 7-8 दिन में दूर हो जाएगी। हाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फोड़े फुंसी हो गए, तब तो आपको क्या करना है, जो अजवाइन है उसको पीस लें आप और उसमें नींबू का रस मिलाना है आपको, और इस तरह से एक लेप बनाना है और जहां जहां फोड़े फुंसी हो गए वहां पे आप इसको लगाइए और आप देखेंगे कि अगर फोड़े फुंसी जैसी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा गुड़ में थोड़ी अजवाइन मिला के आप गोली गोली खा भी लें तो वो भी ना आपको हेल्प करेगी। तो करना क्या है, ये नेचुरल चीजें किसी भी हर तरह के चर्म रोग में काम आती है, नीम की पत्ती तुलसी का पत्ता ये आपको खा लेना। इसके अलावा अगर आपको एलोवेरा मिले, फ्रेश एलोवेरा, तो वो एलोवेरा को ऊपर से काट के उसका अंदर व्हाइट व्हाइट सा जेल जैसा होता है वो जेल आप अप्लाई करें, वो भी आपको बहुत फायदा करेगा। साथ में खाली पेट वही जेल को आप निकाल लें थोड़ा 2 चम्मच के लगभग, और खाली पेट वो 2 चम्मच जेल आप खा लें, ऊपर से पानी पी लें, तो वो जेल भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर लीवर के कारण आपको स्किन डिजीज हो रही है तो वो एलोवेरा जेल जो है, एलोवेरा का जूस जिसको कहते हैं, वो पीने से आपकी वो जो डिजीज है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये आसान से तरीके का इस्तेमाल कीजिए और देखिए 7-8 दिन के अंदर ही आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये एकदम दूर हो जाएगी। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। थैंक यू।